हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखते हैं कि सीना 32, लंबाई 12 इंच, गला आगे का 6 इंच, पीछे का 7.5 इंच, स्लीव्स की लंबाई 5 इंच और चौड़ाई 9 इंच। इस नाप का कटोरी ब्लाउज का कटिंग कैसे करते हैं? कटोरी ब्लाउज के लिए सबसे पहले तो हमें पेपर कटिंग करना पड़ता है, जो कि हमने यहाँ पे किया है। ये देखते हैं, ये है बैक साइड कटोरी वाला हिस्सा, कटोरी के साइड का हिस्सा, और ये है क्रॉस पट्टी। इसका इस्तेमाल करके हम यहाँ पे ये जो ब्लाउज पीस है उसको कटिंग करेंगे। ये जो सभी कटिंग किए हुए पार्ट्स है वो हमें कुछ इस तरह से यहाँ पे ब्लाउज पीस पर बनाने हैं, और इनको बाहर की तरफ से आउटलाइन करके लेना है ताकि हमें कटिंग करने में आसानी आ जाए। जब हम बैक साइड कट करते हैं तो बैक साइड के लिए हमें एक सावधानी बरतनी है। ये जो सेंटर लाइन है उसकी सेंटर लाइन और पीछे की जो सेंटर लाइन है उसको एक साथ इस तरह से जोड़ के रखना है, ताकि ये जो गले का जो डिस्टेंस है इसमें कोई भी फर्क ना पड़े और कंधे उतरने जैसे प्रॉब्लम्स ना आए। तो यहाँ पे हमने ये जो पेपर कटिंग रखा है उसके बाहर की तरफ से हम बॉर्डर करके लेते हैं। ये यहाँ पे हमने सभी पार्ट्स का मार्किंग कर दिया है, अब इसके हिसाब से हम इसको कट कर देते हैं। गले का हिस्सा कट कर देते हैं। बैक साइड की कटिंग। इसके बाद हम कटोरी के साइड वाला हिस्सा कट कर रहे हैं। और इस तरह से ये हो गया हमारे कटोरी के साइड का हिस्सा कटिंग। उसके बाद हमें कटिंग करना है कटोरी का हिस्सा। इस तरह से अब हम क्रॉस पट्टी की कटिंग कर देते हैं। इस तरह से इसके बाद हम स्लीव्स की कटिंग कर देते हैं। स्लीव्स के लिए हमें फोल्ड यहाँ पे चाहिए 1.25 या फिर 8.5 इंच की। तो ये है 1.25 इंच की फोल्ड। सीना कम है इसकी वजह से हमें स्लीव्स की जो फोल्ड है वो भी कम ही लेनी है। अगर 36 सीने के ऊपर ब्लाउज आ जाए तो हमें 9 इंच की फोल्ड लेनी पड़ती है। अब ये अस्तर का ब्लाउज है, इसके लिए हम हाइट में सिर्फ 0.5 इंच मिलाएंगे, यानी कि 5.5 इंच। सबसे पहले तो हमें बॉक्स बना के लेना है। इसके अंदर यहाँ पे ये जो क्लोज साइड है, क्लोज साइड के ऊपर की तरफ से हमें 2.5 इंच पर मार्किंग करना है। उसके बाद ओपन साइड से हमें 2.25 इंच पर मार्किंग करना है, वहाँ से 1.5 इंच पर अंदर की तरफ, ताकि हम जब भी फिटिंग करें तो यहाँ का डिस्टेंस ऊपर नीचे ना आ जाए इसकी वजह से। और यहाँ से हमें ऐसा स्लीव्स को शेप देना है। इसको हम कटिंग कर देते हैं। पहले तो हमें बाहर का हिस्सा कट करना है, उसके बाद ऊपर के 2 हिस्से लेकर अंदर का जो राउंड है उसको कट करना है। ये जो जुड़ा हुआ हिस्सा है इसको भी हम कट कर देते हैं। फ्रंट साइड के लिए मार्किंग करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, आज हमने देखा है कि हम बहुत ही आसान तरीके से 32 इंच इस नाप का ब्लाउज कैसे कट कर सकते हैं। ये देखिए, कट किए हुए सभी पार्ट्स इस तरह से दिखेंगे।